गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये सेम फोर्थ ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट थ्री का जो टॉपिक है वो है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का बेयर विलिजर ऑक्सीकरण पे है। तो फर्स्ट वी विल लर्न दैट कि ये रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विथ परोक्सी एसिड इन एसिडिक मीडियम विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, उसको अपन बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कीटोन का हम अम्लीय माध्यम में परोक्सी अम्लों से ऑक्सीकृत करके जो एस्टर बनाने की प्रक्रिया है उसको हम बेयर विलिजर ऑक्सीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जो परोक्सी एसिड का ऑक्सीजन है वो एक नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। दैट इज द ऑक्सीजन ऑफ परोक्सी एसिड इज अ न्यूक्लियोफाइल्स। ये कहाँ पे जुड़ेगा? ये कार्बन एंड कार्बन ऑफ कीटोन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड दिस सबसे पहले हम देखते हैं परोक्सी एसिड्स क्या होती हैं। C6H5 सी डबल बॉन्ड OH पर ऑक्सी, यानी ऐसे एसिड जिसमें एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा हो, इट इज़ ईजी मेथड टू लर्न। यानी जो भी आप सिंपल अपनी एसिड लिखते हैं उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिख दो। तो फॉर एग्जांपल जैसे C6H5COOH, ये हमारी बेंजोइक एसिड थी, मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दिया, दो, एक दो तीन, तो ये हमारी हो गई पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या पर बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं इसको। अगर फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, और CH3COOO यानी तीन बार ऑक्सीजन, तो ये हमारा हो जाएगा पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर का जो ये एक ऑक्सीजन है ये कैसे काम कर रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस रिएक्शंस के। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोपोनोन है, प्रोपोनोन का हमने ये पर ऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, हमारा मिथाइल इथोनेट बन गया, ठीक है ना। सिंपली आप देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इथाइल एसिटेट मिल गया। एसिटोफिनोन है तो हमें क्या मिल गया, फेनल एसिटेट, फिनाइल एसिटेट मिल गया, ठीक है बेटा। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको ये लिख दिया CH3CO CH3, ये रिएक्शन कंडीशन लिख दी C6H5CO3H, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाइए और इसका मैकेनिज्म बताइए, इसकी क्रियाविधि बताइए, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। नाउ अब हम इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या होती है रिएक्शन की। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए, दो स्टेप्स में बताऊंगी मैकेनिज्म। सबसे पहले अटैक ऑफ परोक्सी एसिड ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनल कार्बन। अब जो एसिड होती है, एसिड्स हम किसको कहते हैं, कोई भी CH3COOH, अगर ये एसिड है तो ये किस फॉर्म में मिलेगी, CH3COO नेगेटिव H प्लस। तो परोक्सी एसिड है तो CH3COO नेगेटिव हमें मिल जाएगा इसके अंदर, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो हमने कहा, देखो हम इसको एसिडिक मीडियम में कराते, अम्लीय माध्यम में कराते, ये जो ऑक्सीजन है ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ आके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा। जैसे ही ये इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पे धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा। तो ये जो हमारा परोक्सी एसिड है इसका जो आयन है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ये यहाँ पे मैंने जोड़ के बता दिया CH3CH3, ये ऑक्सीजन पे हमने एच जोड़ दिया था OH, और ये यहाँ पे हमने पूरा ये परोक्सी आयन जोड़ दिया है। अब हमने कहा है कि जो सेकंड स्टेप होगा उस पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो जाएगा और हमारा एस्टर बनेगा। ये कैसे माइग्रेट होगा, देखो यहाँ से C6H5C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये बॉन्ड मैं तोड़ दूंगी, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो इट विल बी CH3C प्लस COH
ओ सी एच थ्री हो जाएगा। फिर यहाँ से जब ये एच प्लस आयन यहाँ से निकलेगा तो वॉट विल हैपन, ये किस में बदल जाएगा, इट विल कन्वर्ट इन टू द एस्टर, दैट इज द सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, ये बन गया हमारा एसिड मैकेनिज्म। अच्छा अब हमने कहा यहाँ तो ये दोनों ग्रुप हमारे सेम थे, मैं इसको माइग्रेट करती या फिर इस वाले ग्रुप को, यानी मैं इस समूह का स्थानांतरण करती या इस समूह का स्थानांतरण करती, बात एक ही थी। पर अगर ये अलग अलग समूह हैं तो किस समूह का स्थानांतरण होगा ये हम पता लगा सकते हैं माइग्री एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स को जान के, यानी कि विभिन्न विभिन्न समूहों की स्थानांतरण प्रवृत्ति को जान के। उसके लिए जो एक ऑर्डर है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी सबसे आसानी से किसका होगा, हाइड्रोजन का, फिर 3 डिग्री एल्काइल समूह का, फिर साइक्लोहेक्साइल का, फिर फिनाइल का, फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का, फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का, और सबसे कम किसका होगा, मिथाइल का होगा माइग्रेटरी। तो अगर भाई दो समूह है सी एच थ्री और फिनाइल लगा हुआ है तो किसका माइग्रेशन होगा, फिनाइल का होगा। तो इस ऑर्डर से हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो इट वॉज एन मैकेनिज्म बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो किस तरीके से पूछा जाता है ये मैंने अभी आपको और बताया। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये रिएक्शन थोड़ी आसानी से याद। देखो ये हमारा कीटोन है ना, कीटोन से अगर परोक्सी एसिड लिखें तो एस्टर बनाने के लिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ और यहाँ इसमें क्या फ़र्क है, हमने एक ऑक्सीजन ही तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है, यहाँ देख लो सी एच थ्री सी ओ एक ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ पे भी सेम एक ऑक्सीजन डाल दिया। इसके केस में आप देखोगे कि भाई ऑक्सीजन इधर डालूं कि मैं इधर डालूं, इसके केस में भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इधर या इधर, इसको पता कराने के लिए ही तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूट है। और एक सीधा तरीका बता देती हूँ कि ऑक्सीजन को अपन किसकी तरफ डालेंगे, ज़्यादा बल्कि ग्रुप की तरफ डाल देंगे, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन को आप ज़्यादा बल्कि ग्रुप की तरफ डाल दीजिए, आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो सही हो जाएगा। दैट इज़ दैट, यहाँ पे भी देख लो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री में से कौन सा बल्कि ग्रुप था, इथाइल ग्रुप बल्कि था, तो ऑक्सीजन हमने उसकी तरफ लिखा है। सिमिलरली सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री में से ये बल्कि ग्रुप था तो मैंने ऑक्सीजन इधर लिखा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। थैंक यू।